माफिया बिग बॉस बेस्ड ऑन अंडरवर्ल्ड है, 1946 से लेकर 1986 ये मैंने बेस करके फिल्म को बनाया है, जो गैंगस्टर्स ऑफ मुंबई, और इसको मैंने रिलीज की थी 5 अप्रैल को या 5 मई को, और जो अभी 50 डेज हो गई है ये फिल्म, और मैंने लिमिटेड थिएटर्स में की थी क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा प्रमोशन का बजट नहीं था, लिमिटेड थिएटर्स में की और अच्छा रिस्पांस मिला, स्पाइट ऑफ रमजान फिल्म ने मेरी सर्वाइव किया और 50 डेज सेलिब्रेट किया। ये भी कहना चाहूँगा कि फिल्म को अलग अलग लैंग्वेज में अपनाया गया है, ये कितनी बड़ी बात है, साउथ में कैसा रिस्पॉन्स है इस फिल्म का? देखिए अभी मैंने साउथ में टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी रिलीज किया नहीं है मैंने, अभी मेरी ऑल इंडिया रिलीज हो रही है, जैसे ऑल इंडिया मेरी कंप्लीट होगी आफ्टर 2 मंथ्स मैं इसको तेलुगु में भी रिलीज करूंगा और उसके बाद तमिल में भी करूंगा। आपके अलावा और कौन से लोग हैं इस फिल्म में किरदार के तौर पे? मेरी फिल्म में देखिए मैंने नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे राज चौहान जी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं, सागर पांडे जी हैं, अशफाक कोपीकर जी हैं, सलीम गौड़ जी हैं, और कयूम खान साहब हैं, अली खान साहब है, कमाल मलिक साहब है, तो इस तरह से काफ़ी एक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आगे कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह तैयार? बिल्कुल मैं 3 स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, एक मेरी स्क्रिप्ट है इसका सीक्वल है माफिया दरबार, जिसमें मैं एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी हैं, रवि किशन जी हैं और राजपाल यादव जी हैं, ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, गुलशन ग्रोवर जी हैं, पुनीत ईसर जी हैं, जिनको लेकर मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 यूथ सब्जेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, एक है बंकिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर जी ने बनाई थी, वो एक अलग सब्जेक्ट था, मैं बंकिंग स्टूडेंट की जो एक काम है उसको लेना चाहता हूँ, और वो क्यों बंक करते हैं, क्या रीज़न है और किस तरह लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं, उसको बेस किया मैंने। इसके बाद एक लव स्टोरी पर मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज़ आई लव यू कंडीशन अप्लाई शर्तें लागू, तो वो आज के जो माहौल को देखते हुए आज के यंगस्टर्स का क्या लव की तरफ अप्रोच है और क्या प्लानिंग होती है उसको बेस करके मैं काम करना चाह रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत जल्द फ्लोर पे जाएंगे। मैं तो गुलाटी जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, उन्होंने मेरी 2 फिल्में बनाई हैं अभी, तो मैंने एक बात उनके बारे में ऑब्जर्व की है कि बहुत ही मेहनत करते हैं, जो काम वो हाथ में लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है, उसे पीछे लग जाते हैं और सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। अब इस फिल्म के जो 50 दिन हुए उसके पीछे भी उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की और आज वो फल पा रहे हैं। मैंने भी ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने चुना है और हिम्मत से वो फिल्म बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म है, हम तो इस फिल्म के अभी 100 दिन का इंतजार कर रहे हैं। Hi, my name is Priya Ramanandi and I would love to congratulate Dilip ji because इनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, स्टार्टिंग टू एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिलीप जी, एंड इसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया हुआ है, मारो पियो जी बड़ो दिलदार, सो आई विल से 1 लाइन ऑफ इट, मारो पियो जी बड़ो दिलदार, मारो पियो जी बड़ो दिलदार, 24 घंटे 12 महीने तर ले तुमसे प्यार प्यार प्यार, मारो पियो जी बड़ो दिलदार, मारो पियो जी बड़ो दिलदार। आई रियली लव दिस सॉन्ग एंड इस सॉन्ग के लिए बहुत सारी अच्छी कोरियोग्राफी भी करी गई है, सो प्लीज फ्रेंड्स डू जस्ट गो एंड वॉच माय सॉन्ग, थैंक यू सो मच। आज का दिन इतना बढ़िया है, इतना सुपर है, आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड फॉर माय ब्रदर दिलीप गुलाटी, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, रियली ये पिक्चर जो बनाई है अंडरवर्ल्ड पर, मतलब ऐसा है कि सचमुच के जो 1970s और 80s के जो पीरियड था जब जो क्राइम जिस तरीके से होती थी उसको इतनी बखूबी से, इतनी सही तरीके से, इतनी सच्चाई से इन्होंने पेश किया है, नॉट ओनली इन राइटिंग, इन डायरेक्शन, इन एक्टिंग एंड इन द वेरियस कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है कि सचमुच हम वो पीरियड को, ये सचमुच वो लाइव पीरियड उस टाइम का जो है वो अभी लेकर आए, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ हिम, उन्होंने इतना इतनी बढ़िया बढ़िया काम किया है, बड़ी पिक्चर बनाई है, आई प्रे फॉर हिम फॉर सक्सेस फॉर दिस फिल्म, और ये 50 डेज किए इन्होंने, वाकई आज के दिन में ये एक बहुत ही मतलब यूनिक थिंग है, क्योंकि 50 डेज तो ये एक ज़माना था जब होते थे कि 50 डेज 100 डेज, वो तो ज़माना ख़त्म हो गया अभी, ये तो कैसे पता नहीं, ये कुदरती है कि कैसे इन्होंने ये फिल्म बनाई है जो 50 डेज इन्होंने कम्प्लीट किया है, इट्स रियली यूनिक, और ये जो पुराना ट्रेंड था वो दोबारा इन्होंने एक हिसाब से रिपीट किया है, और आई रियली प्रे एंड विश दैट ये 50 डेज अब 100 डेज हो, आगे भी हो और आगे की भी इनकी सब पिछले इसी तरह से काम करें, गॉड ब्लेस हिम, जय माता दी। मैं चाहूँगा उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज टू हिम, और 50 डेज उन्होंने कम्प्लीट किया है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई है ये, और जो इन्होंने पिक्चर बनाई है माफिया के ऊपर,
मतलब जो 70s 80s में जो मतलब 80s में 85 में जो भी 90s में भी जो माफिया का था वो सब जो बताया वो बहुत ही रियल बताया, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही बेहतरीन बताया. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस ऑलवेज. थैंक यू. ये है माफिया बिग बॉस. 50 वीक्स क्रॉस कर चुकी है. कितनी बड़ी बात है. 50 डेज. यस, कितनी बड़ी बात है. आज की तारीख में फिल्में चलती क्या है. और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म को रिलीज करना मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट है फिल्म बनाने से. ये फिल्म बनाई गई और रिलीज की गई तो मैं जबरदस्त फैन होगा दिलीप गुलाटी साहब का जिन्होंने फिल्म बना के रिलीज की. और 50 डेज हो गए सर, बहुत बड़ी बात है. बहुत बहुत मुबारक हो. जय माता दी. बाकी मैं इस लाइन में बहुत साल से काम कर रहा हूँ. दिलीप गुलाटी साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया. जो भी फिल्म बनाई है वो रिलीज हुई है. आज तक ऐसी कोई दिलीप गुलाटी ने फिल्म बनाई जो रिलीज नहीं हो. बहुत फिल्म बनाई मैंने और हर आदमी के साथ में भाईचारा, अच्छी तरह की बातचीत, कोई गमन नहीं, डाउन टू अर्थ. कितनी डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी. यहाँ पर एक मामूली सा आदमी छोटा सा काम कर लेता, बातें तैयार नहीं है. दिलीप गुलाटी साहब मैं 42 साल से मिल रहा हूँ, 42 ईयर्स, जब से वही सेम बिहेवियर. कितनी बड़ी बात है. हिस्सा नहीं, मेरा मेन लीड है इस फिल्म में. एंड माई सेल्फ इज प्लेइंग लाइक दाऊद करेक्टर. एंड इट्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. एंड एंड मेरे साथ में मेरी एक्ट्रेस है साथ में आइटम किया है प्रिया ने. और सभी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है. एंड मैं सब ऑडियंस को और आप लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के कोऑपरेशन से आज मेरी फिल्म 50 डेज कंप्लीट कर चुकी है. एंड मेरे साथ में मेरी को स्टार्स हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. और मेरा बादशाह का करेक्टर रहा है इसमें और हम कल थिएटर्स में बैठे हुए थे, पहले भी हैं, तो रोल को काफ़ी अप्रिसिएट किया गया है. और फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. मैं सभी ऑडियंस से चाहूँगा कि अभी 50 डेज हमारे कंप्लीट हुए हैं, ये सिल्वर जुबली जाए. ये हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे डायरेक्टर के लिए बहुत खुशी की बात है. मैं बहुत ही खुश हूँ कि दिलीप गुलाटी जी ने ये हमें चांस दिया कि वो अपनी मूवी में हमें काम दे और हमें अप्रिशिएट करे और हमें इतना कॉन्फिडेंस दिलाए कि हमें एक किरदार निभाना पड़े. और बहुत ही कोऑपरेट किया है उन्होंने अपनी माफिया बिग बॉस मूवी में. और मेरी पूरी तरफ से माफिया बिग बॉस की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड मैं विश करूँगी पूरी टीम को भी और दिलीप गुलाटी जी को भी कि ये सिल्वर जुबली तक जाए और ऑस्कर अवार्ड तक जाए. मैं तो और विशेष करूँगी. और दिलीप गुलाटी जी जैसे डायरेक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम ही होंगे शायद, जो अपने आर्टिस्टों को या एक्ट्रेस को या एक्टर को या जितनी भी टीम है उनको कॉपरेट करके आगे हौसला देके कॉन्फिडेंस दिलाए और तभी हर किसी किरदार को एक आगे चलने का मौका मिलेगा. दिलीप गुलाटी जी जैसे डायरेक्टर होंगे तभी. और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर माफिया बिग बॉस टीम एंड माय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, माय गुरुजी. विश कॉन्ग्रेचुलेशन योर मूवीज एंड गोइंग ऑन योर सक्सेस. बहुत खुशी की बात है. सेलिब्रेशन बनता है, बन रहा है. और बहुत जल्द 100 डेज भी हो जाएंगे. बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर को, राज को. और बस ये है कि आप लोग बस तरक्की करते रहें और मैं आप लोगों के पास आके इंटरव्यू देती रहूं. इंटरव्यू नहीं, आप साथ में काम करें हमारे. खुद के प्रोजेक्ट्स में बताइए किस में काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स में काम कर रही नहीं. अभी तो जस्ट मैंने 5 साल बाद कमबैक किया है. अभी जस्ट अभी आई हूँ. अभी ट्राई नहीं किया कहीं. ये लोग हैं ना अभी नहीं ट्राई नहीं करना. सीधे एंट्री मारेंगे. रीजन फैमिली गर्भसा लिया. 5 साल का ब्रेक हो गया. अभी थोड़ा बैक टू पवेलियन. सपना ज्यादा नहीं दूर रह सकती ना, इसीलिए. सपना जी जैसा था कि ये फिल्म लाइन मेरी पहली गुजराती फिल्म का हीरो. ये एक फिल्म लाइन एक ऐसा है कि हम लोग मैंने गुजराती फिल्म में स्टार्ट किया और ये उस टाइम बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी. अभी 20 साल हो गए. आज भी स्टार है
और पहले भी स्टार थी, हमारी बहुत खास दोस्त हैं और आज हमारी सक्सेस पार्टी पर ये आई है, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सपना जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि ये हमारी सक्सेस पार्टी पर आई। हमारा स्टार्ट करियर था और स्टार थी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया क्योंकि एक नया एक्टर के साथ एक पुराना एक्टर बहुत मुश्किल से काम करता है, लेकिन इन्होंने सारे सीन बहुत जबरदस्त दिया था और मैं इनको उसके लिए भी सिर्फ थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आने के लिए भी। और मैं बता दूँ कि ये जो फिल्म है माफिया बिग बॉस, ये बहुत ही रियल सब्जेक्ट पर है। मैंने जो रोल प्ले किया है वो बहुत ही रियल एक डॉन को फील करके किया। वो डॉन का नाम नहीं बता सकता लेकिन वो रियल में ऐसे ही है। ये मैंने जब उनको अपने अंदर डाला तो यार बोला यार मैं तो वही हूँ, पूरी पिक्चर में मैंने वही किया है। आप देखेंगे तो आपको मेरा रोल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करूं। और मेरे साथ जो भी मेरे खास अजीज एक्टर हैं इस फिल्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है राज चौहान ने, उन्होंने बहुत बखूबी इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। मिस्टर दिलीप गुलाटी एक इंपॉर्टेंट रोल में है। मेरा एक और दोस्त आयुष जडेजा जो आज यहाँ नहीं है, उन्होंने जो रोल, उनका रोल बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है लेकिन थोड़ा जितना है ना उसमें भी उन्होंने एकदम फाड़ दिया है। तो मैं आयुष जडेजा को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, पूरी टीम को, इंटायर टीम को मैं अपने शब्दों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब लोगों ने एक साथ काम किया और फिल्म सक्सेस हुई। आज उसका we are very proud of this today having 100 days, that is Dilip Gulati's film Mafia. And other thing, we are celebrating our father's birthday also. And the biggest thing is this 100 days has done in Imperial Cinema. That was my father's sapna in Imperial Theatre. Used to love Imperial Theatre. दिलीप सर, राजू रही और मैं मुंबई जब फर्स्ट टाइम आया था, मुझे पहला ब्रेक देने वाले ये शख्स थे जिनका नाम है दिलीप गुलाटी साहब, जो मेरे बड़े भाई है, और जो कोमल मैम है वो मेरी सिस्टर, मैं राखी ब्रदर उनका। इस गरीब को किसी ने ब्रेक नहीं दिया था इंडस्ट्री में, पहला ब्रेक इन्होंने दिया था मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में मेरा कैमरा जो फेस किया दिलीप साहब ने कराए थे। और ये माफिया बिग बॉस एक वन मैन आर्मी है दोस्तों, किसी का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं मुझे अच्छे से याद है जब मैं बैंडर गया था सर से हॉस्पिटल मिलने के लिए, आईसीयू में एडमिट थे, मेरा रात 2:30 बजे आया था सर और बारिश का ही टाइम था। मैं जस्ट वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ सर, एक हाथ में बैंडेज लगा हुआ है, पैर ऊपर टांगा और भाई साहब मोबाइल पे लगे। मतलब सर ये यार माफिया बिग बॉस का प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। तब रो के बोला यार इस उम्र में जब आदमी ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आज जो भी पब्लिसिटी वगैरह फंडे जो आजमाता हूँ मैं इनकी वजह से, बिकॉज क्या होता है बड़ों से हमेशा आपको सीखने मिलता है और दिलीप साहब से मुझे बहुत सीखने मिला है। आज मैं जो कुछ मेरी पहचान और मेरा नाम है ये मेरे गॉडफादर है और ये ज़िंदगी भर रहेंगे क्योंकि इन्होंने मुझे ब्रेक दिया। और मैं एक्सपेक्टेशन करूँगा कि ये जो माफिया बिग बॉस इन्होंने मेरे भाई लोग को लेके बनाई है, आने वाले समय में ये अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी फिल्में बनाते रहे और कई आर्टिस्टों को चांस दे, जिसमें हम भी है, हमारे यार दोस्त भी है, नए नए लोगों को चांस देता है। इंडस्ट्री में कौन चांस देता है दोस्त, पैसा लेके लोग काम देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। पिक्चर बनाना बड़ी बात नहीं होता दोस्त, पिक्चर बना के पर्दे पर लाना वो बहुत बड़ी बात होती है, जो दिलीप साहब हमेशा करते हैं और इनसे सीखना पड़ता है। और इनके जो एक्चुअली गुरु है वो सलीम साहब है, सलीम साहब के बहुत फॉलोवर है बहुत बड़े साहब के, जो खान फैमिली है वो हमेशा खिलाती पिलाती रहती है, वैसे दिलीप साहब है। जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मैं सर के घर में रहता था तो दो अक्का मुझे खाना मिल जाता था, कटिंग के पैसे मिल जाते थे। आज जो कुछ मालिक की दुआ से सर लोग का आशीर्वाद है जो आज यहाँ खड़ा हूँ और एज ए राजू रई को और जूनियर एस आर के नाम से मेरी पहचान है।